हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ 700 सब्सक्राइबर के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा कि पबजी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो आपके गेम प्ले में बहुत काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो पूरा देखना भाई, ज़रूर लेट्स स्टार्ट। तो इस ट्रिप को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले कोचिंग के में आना है। यहाँ पर ट्रिपल में एक बंदा है, हार्ड कैम्प कर रहे हैं, तो उसको मारने के लिए आपको सबसे पहले इस घर में आना पड़ेगा। तो इस घर में आके आप दरवाजे से छत पे चढ़ सकते हो। छत पे चढ़ना है सबसे पहले आप लोग को, तो चढ़ जा भाई। हाँ, तो छत पे चढ़ने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से ट्रिपल पे सीधा जंप करना है। देखिए यहाँ पर जंप करना है सीधा। तो जंप करके आप इजीली उस बंदी को स्पॉट कर सकते हो और इजी यहाँ से एंगल मिले आपको, आप यहाँ से नॉक डाउन कर सकते हो उसको आराम से। तो यही था इस ये वाला टिप। आप इसको यूज़ कर सकते हो ट्रिपल हाउस में जब बंदे एकदम कैम करता रहेगा। तो इस टिप को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर इस घर में कोई बंदा एकदम से कैम कर रहा है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आइए। यहाँ पर जाके आप लोग सबसे पहले इस वॉल पे आके जंप का बटन क्लिक करना है। यहाँ पर चढ़ के, तो चढ़ जा भाई। यहाँ पर से सीधा आप इस कंटेनर पे जंप कर सकते हो। यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर जाना है और यहाँ से आप लोग यहाँ से जंप करके इस पर चढ़ जाइए और सीधा इस कॉर्नर पे आ जाइए। यहाँ से देखिए इजीली कोई भी बंदा अगर रहेगा तो उसको आप मार सकते हो या फिर ग्रेनेड से मार सकते हो। तो यही था इस टिप में। तो यूज़ कर सकते हो आप सब लोग इसको। ये एक छोटा सा टिप है लेकिन ये बहुत काम का है, लास्ट जोन में बहुत काम में आएगा आप लोग को। तो अगर कोई स्मोक के अंदर बैठा है तो आप लोग उसको इजी में कैसे मार सकते हो, तो आप लोग को सबसे पहले वहाँ पर जाना है और आगे जाके यहाँ पर बाहर खड़े रखे एफपीपी का बटन को स्विच करना है। तो देख सकते हो आप इजी वो बंदा वहाँ पर जो भी हील मारता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, तो आप लोग उसको एफपीपी में स्विच करके इजी में उसको मार सकते हो। तो ये टिप छोटा है लेकिन बहुत काम का है, तो आप लोग इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे का देखते हैं। इस टिप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी स्क्वाड हाउस पे आना है, डबल स्टोरी स्क्वाड हाउस। वहाँ पर आके आप लोग को ऊपर जाना है। तो ऊपर जाके आप लोग को यहाँ पर जो ये है ना, ये छोटा सा, इस बॉक्स के ऊपर आना है। बॉक्स के ऊपर चढ़ के आप लोग को यहाँ पर आपका मुंडी बाहर रहना चाहिए और देख सकते हैं आप लोग स्कोप करने से आप लोग पूरा बाहर का एंगल देख सकते हैं। अगर कोई भी नीड करता रहेगा या फिर कुछ भी तो एंगल मिल सकते हैं। ये लास्ट ट्रिक है, ये सबसे मतलब बहुत सही ट्रिक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस पार्क में आना है, एनिवर्सरी पार्क में। तो यहाँ पर आके सबसे पहले आपको यहाँ से इस सामने के साइड, ये साइड पर आके यहाँ पर बैठना है इस वाले सीट पे। तो गेट इन करके आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको सीधा यहाँ से मार करना है आपको रोजो के वाटर टैंक के पास। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैप में। तो देखिए मेरे मार्कर पे सीधा आपको यहाँ से सीधा आपको वहाँ पर जाना है। तो देख सकते हो यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर ऊपर आ सकते हो। यहाँ से इसी में आप किसी को भी मार सकते हो, कोई भी यहाँ पर अगर आएगा, कार लेके आएगा, आप यहाँ से इजी में एंगल बना के मार सकते हो और कोई सोचेगा भी नहीं कि यहाँ पर बंदा है, तो आप यहाँ से इजी मार सकते हो बस। ये ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर रोजक में बहुत बंदे आते हैं, ये हिल पर भी आते हैं, यहाँ से आप लोग किसी को भी मार सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में इस टिप्स एंड ट्रिक को।
तो मैं आप लोग को फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ 700 सब्सक्राइबर के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।